ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं पूजा चरसे आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। दिल्ली में सुमन सद्भावना संस्था द्वारा एम्स अस्पताल के बाहर रोग पीड़ितों के परिजनों के लिए हर महीने की पहली तारीख को फ्री भंडारे का आयोजन किया जाता है। सुमन सद्भावना के अध्यक्ष निशिकांत शर्मा ने बताया कि संस्था की ओर से पिछले 5 वर्षों से लगातार इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2500 से लेकर 3000 तक लोगों को दोपहर में भोजन निःशुल्क वितरण किया जाता है। संस्था ने अपना कार्यालय एम ब्लॉक ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 मार्केट में बना रखा है। एम्स में भर्ती मरीज अधिकतर दिल्ली से बाहर के रहने वाले होते हैं। उनका खर्च दवाइयों के साथ तीमारदारों के भोजन पर ज्यादा खर्च होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने 5 साल पहले एम्स के बाहर भंडारा लगाने का निर्णय लिया, ताकि मरीजों के परिजनों को फ्री में अच्छा भोजन मिल सके। आप ये मुहिम व्यवस्था कहाँ से शुरू करी और कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सुमन सद्भावना रोगियों के परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था। सुमन मेरी माताजी का नाम था। जब मेरी माताजी बीमार थी, वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनको लेके जाता था, तो वहाँ रोगियों के परिजनों को मैं किसी को चाय पिला देता था, किसी को भोजन करा देता था। लैंडमार्क वर्ल्ड वाइज एजुकेशन में एक प्रोग्राम में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के तहत ये मुहिम शुरू हुई। 3000 से 5000 लोगों को भोजन की व्यवस्था, रोगियों के परिजनों को भोजन की व्यवस्था 1/8/2013 से ये मुहिम शुरू करी। आज अलग अलग संस्थाएं इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ी हैं। महीने में 30 से 25 दिन अलग अलग संस्थाएं अलग अलग स्थानों पर भोजन मुहैया करवाती हैं रोगियों के परिजनों के लिए। मेरे साथ इस मुहिम में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें श्री अरविंद जी हैं, संजीव अनेजा जी हैं, महेंद्र गुप्ता जी हैं, आशुतोष लोहिया जी हैं, संजय गोयल जी हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं। सभी लोग मुझे कुछ ना कुछ दान देते हैं, उसी दान राशि से ये मुहिम चल रही है। मेरी प्रेरणा, मेरा स्रोत यही है कि हर रोज 5000 से 3000 लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई जाए। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।